यहाँ पे राधा कृष्ण प्रथम मिलन हुआ है, तो उससे उसके प्रेम सरोवर जो आंसू निकले प्रेम के। मधुसूदन यहाँ से चले जाओ, इस बात को सुनते ही राधा रानी रोने लगी कि कृष्ण कहीं मुझे छोड़कर चले ना जाए। ये सुंदर नज़ारा आप देख रहे हो। राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल मिरर पर। मैं साहिल बिश्नोई आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे प्राचीन स्थल पर लेकर आया हूँ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा मैया के आंसू से सरोवर बना है, और इस सरोवर को बोलते हैं प्रेम सरोवर। दोस्तों अभी मैं हूँ गाजीपुर गाँव में, यहाँ पर आप सामने बोर्ड देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है प्रेम सरोवर। पहले हम आपको दर्शन करवाते हैं श्री राधा गोविंद मंदिर के, फिर हम आपको इस सरोवर के दर्शन करवाएंगे। तो अभी चलते हैं आपको मंदिर में लेकर, वहाँ के दर्शन करवाते हैं, फिर जानेंगे यहाँ की पूरी लीला के बारे में। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, प्राचीन मंदिर ठाकुर श्री राधा गोविंद जी प्रेम सरोवर गाजीपुर यूपी बरसाना। तो अभी हम आपको अंदर लेके चलते हैं और दर्शन करवाते हैं मंदिर के अंदर से। दोस्तों हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर, अंदर से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है, तो हम आपको यहाँ से दिखा देते हैं। और हमारे साथ में यहाँ के महाराज जी जुड़े हैं जो हमको यहाँ की लीला के बारे में विस्तार से बताएंगे। राधे राधे महाराज जी, आप हमको यहाँ की लीला के बारे में बताइए, इस प्रेम सरोवर का क्या महत्व है और यहाँ की क्या लीला रही है ठाकुर जी की? प्रभु जी, ऐसा है, राधा रानी आती थी बरसाने से, भगवान कृष्ण आते थे नंदगांव से, यहाँ मिलन हुआ था, यहाँ प्रेम सरोवर नेत्र से नेत्र आंसू बहाया था, राधा रानी कृष्ण भगवान नेत्र के पानी से प्रेम सरोवर बनी थी। ये आंसू क्यों बहाए थे? प्रेम से। जब प्रेम से, जब पहली बार मिले थे तब प्रेम से जी आंसू बहाए थे जी जी। तो यहाँ पे तभी सरोवर का निर्माण हुआ था जी। और जी, क्या महिमा रही है यहाँ की ठाकुर जी की? और महिमा, सखी के संग राधा रानी आती थी, यहाँ रास होता था, भगवान आते थे ग्वालवाल, रास मंडल है, यहाँ रास होता था। तो महाराज जी, ये मंदिर कितना का पुराना है? ये मंदिर तो भैया मैंने ऐसा ही देखा है, और प्रेम सरोवर मैंने ऐसी देखी है, पुराना है प्रभु जी। प्रभु जी का पुराना मंदिर है। और हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो भगवान श्री कृष्ण की अनेकों मूर्तियाँ लगी हुई है, अनेकों तस्वीर लगी हुई है, और बारह मास यात्री आते हैं दर्शन करने के लिए, खाली कुंड के लिए आते हैं यहाँ, कुंड के दर्शन करने, खाली प्रेम सरोवर के लिए आते हैं यहाँ। तो यहाँ पर इतिहास भी कुछ लिखा है, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ। श्री प्रेम सरोवर और राधा गोविंद जी की प्राकट्य कहानी। कुछ संतों व ब्रजवासियों के मतानुसार पूर्व काल में यह प्रेम सरोवर एक प्रेम वन था। यह हरे भरे कदम वृक्ष और रंग बिरंगे फूलों से भरा था। यहाँ ब्रजवासियों का क्रीड़ा स्थल था। एक बार नंद गांव से नंदलाला ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते यहाँ आकर क्रीड़ा करने लगे। इधर बरसाने से राधा रानी अपनी ललिता आदि सखियों के साथ यहाँ आई। तब ललिता सखी ने राधा कृष्ण को कुंज में बैठा कर फूलों से सजाया। इसी बीच एक बोरा आया और गुनगुनाने लगा। यह बोरा राधा रानी के मुख चंदन को पुष्प समझकर मुख पर बैठना चाहा। बोरा से बचाने के लिए राधा रानी अपने मुख को इधर उधर करने लगी। उसी समय श्याम सुंदर के प्यारे सखा मधुमंगल ने बोरा को भगा दिया और कहा, मधुसूदन तुम यहाँ से चलो। इस बात को सुनते ही राधा रानी रोने लगी कि कृष्ण कहीं मुझे छोड़कर चले न जाए। भगवान कृष्ण से राधा जी का दुख सहन नहीं हुआ और कहा कि राधा रानी के समान मुझसे प्रेम करने वाला कोई नहीं है। इस पर भगवान कृष्ण राधा रानी के गले लग गए और दोनों के प्रेम आंसू बहने लगे, जिससे इस तीर्थ स्थल प्रेम सरोवर का प्राकट्य हुआ। तभी से यहाँ नौका विहार मेला लगता है। तो महाराज जी, ये नौका विहार मेला क्या है? भादो होती है ना, सामने के भादो, भादो महीना एकादशी को डोंगा डरता है, उसमें ठाकुर जी गोपाल जी नाम विहार होता है। ये है दोस्तों प्राचीन मंदिर, आप देख सकते हो इसकी बिल्डिंग से ही पता चल रहा है काफ़ी प्राचीन मंदिर है। तो अभी हम आपको प्रेम सरोवर की ओर लेके चलते हैं। यहाँ मैं सेवा करती है सरोवर की। अच्छा, सरोवर की। राधे राधे मैया, आप भी हमको यहाँ की लीला के बारे में थोड़ा विस्तार से बताओ। सरोवर है, राधा कृष्ण का प्रथम मिलन हुआ है, यहाँ पे राधा कृष्ण प्रथम मिलन हुआ है, तो उससे उसके प्रेम सरोवर जो आंसू निकले प्रेम के, उनसे बना हुआ है प्रेम सरोवर। प्रेम की भरी रहे दिन रहे, जहाँ जहाँ प्यारी पग धरे कृष्ण धरे। राधा रानी को प्रेम तो यहीं पे भयो,
ठाकुर जी ने संकेत किया है राधा रानी को जब यहाँ पे आए, जब यहाँ प्रेम हुआ, यहाँ पे प्रेम हुआ, हाँ, खेलते खेलते आए हैं। और ये सरोवर उनके आंसुओं से बना, ये प्रेम सरोवर प्रेम के आंसुओं से बनी हुई है, भगवान श्री कृष्ण और राधा मैया के आंसुओं से। अभी हम आपको दर्शन करवाते हैं प्रेम सरोवर के। मंदिर में निर्माण का कार्य चल रहा है, पेंटिंग वेंटिंग हो रही है, और इस मंदिर के बिल्कुल सामने है, यहाँ पर है प्रेम सरोवर। आप दर्शन कीजिए पवित्र प्रेम सरोवर के। यहाँ पर रास मंच बना हुआ है और इस साइड है प्रेम सरोवर। यहाँ पर एक और मंदिर है, वहाँ पे भी फोटोग्राफ वीडियोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा मैया रास करते थे। ये सुंदर नज़ारा आप देख रहे हो प्रेम सरोवर का, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा मैया पहली बार मिले थे और दोनों के प्रेम से जो आंसू निकले थे उन्हीं से यह सरोवर बना है। यहाँ पर दोस्तों दो मंदिर है, एक वहाँ पर मंदिर है, एक यहाँ पर मंदिर है, वो भी दोस्तों प्राचीन मंदिर है जो द्वापर काल से मौजूद है। इस सरोवर के बारे में तो आपको पता ही है ये कैसे बना था, तो अभी हम आपको आचमन करवाते हैं इस पवित्र सरोवर के पानी से। आओ आप भी हमारे साथ आचमन करो इस पवित्र प्रेम सरोवर का। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हो राधा मैया, जय हो, जय हो, जय हो। बहुत सुंदर सरोवर बना है और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों एक अलग सी शांति और सुकून महसूस होता है। बस यहीं पर बैठे रहें और इस सरोवर को ऐसे ही निहारते रहें। आप देख सकते हो कितना सुंदर सरोवर बना है। दोस्तों आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा मैया के आंसू से बना ये प्रेम सरोवर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी भक्तों को पता चल सके कि एक ऐसा सरोवर भी है जो भगवान श्री कृष्ण और राधा मैया के आंसू से बना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियो लेकर आते रहेंगे। जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।